नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सुल्तानपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। सुल्तानपुर में हुआ भीषण सड़क हादसा, तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं सुल्तानपुर से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई, एक शख्स घायल है। जिला अस्पताल में शख्स का इलाज जारी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सड़क हादसे में दो लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी और साथ ही एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भीषण सड़क हादसे में दो बाइक सवार लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सड़क हादसे में दो बाइक सवार लोगों की मौत हुई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो भीषण सड़क हादसे में दो बाइक सवार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुल्तानपुर का ये पूरा मामला, जहां पर सड़क हादसे में दो लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि एक व्यक्ति जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। आपको बता दें, घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुल्तानपुर के अस्पताल की तस्वीरें, जहां पर इमरजेंसी वार्ड में शख्स को भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है और हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके साथ ही दो लोगों की इस पूरे सड़क हादसे में मौत हो गई। तो सुल्तानपुर में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां दो बाइक सवार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। हालांकि हादसा किस वजह से हुआ, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर से ये बड़ी खबर, जहां भीषण सड़क हादसे में दो बाइक सवार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विष्णु फोन लाइन पर बने हुए हैं। विष्णु, किस वक्त यह हादसा हुआ और किस वजह से हादसा हुआ है? यह पूरा मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र के दूर मोड़ की पास चौराहे की घटना है, जहाँ बाइक सवार तीन मजदूर घर जा रहे थे सेटिंग काम करके वापस, और अज्ञात लोगों ने टक्कर मार दी, जहाँ दो की मौके पर मौत हो गई और एक घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल में इलाज चल रहा है, और हालत देखते हुए डॉक्टरों ने उसको लखनऊ रेफर कर दिया गया। विष्णु, जिस ड्राइवर ने टक्कर मारी, क्या उनकी गिरफ्तारी हो पाई? नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। पुलिस चारों तरफ नाकेबंदी की थी, लेकिन वहाँ तक अभी तक कहीं दिखाई नहीं पड़ा। जी विष्णु, जो व्यक्ति घायल है इस पूरे हादसे में, उनकी फिलहाल क्या स्थिति है? इलाज के लिए देखिए उनको लखनऊ भेजा गया है, अभी उनकी हालत गंभीर बनी नहीं है, यहाँ उनके ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। ठीक विष्णु, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि जिस वाहन ने टक्कर मारी थी, फिलहाल वो मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश कर रही है पुलिस।